हाय स्टूडेंट, डीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं डाटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में कि एमएस एक्सेल में डाटा वैलिडेशन ऑप्शन होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो सभी लोग, जो डाटा वैलिडेशन ऑप्शन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, और इसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। क्यों करेंगे इसको समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है, एक तो है डाटा, मतलब जो डाटा हम एंटर करेंगे, और अगला है वैलिडेशन, मतलब कौन सा डाटा हमारी एक्सेल शीट में मान्य होगा, मतलब वैलिड होगा, और कौन सा डाटा इनवैलिड होगा। अगर आप अपने हिसाब से डिसाइड करके कंडीशन देना चाहते हो तो वहां पे डाटा वैलिडेशन का यूज करो। मतलब डाटा वैलिडेशन ये आपसे परमिशन मांगता है कि किस पार्टिकुलर सेल में क्या आपको लिखना है। तो मान लो मैं पार्टिकुलर किसी सेल में केवल टेक्स्ट लिखना, तो हम बता देंगे केवल इसमें टेक्स्ट लिखना है। तो डाटा वैलिडेशन क्या करेगा, वहां पे केवल टेक्स्ट अलाउ करेगा, टेक्स्ट को वैलिड करेगा। अगर नंबर लिखेंगे, कोई डेट लिखेंगे तो इनवैलिड माने। मतलब डाटा बनाते समय कहाँ पे हमको क्या लिखना है, अगर पहले ही हमको डिसाइड है, मतलब किस हेडिंग में नंबर लिखना है, किस हेडिंग में आपको टेक्स्ट लिखना है, किस हेडिंग में हमको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर लिखना है, अगर पहले से आप इसको डिसाइड कर देते हो तो फायदा यही होता है कि अगर आप फिर से लिखते हो और इनके साथ आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि यहाँ पे नंबर नहीं टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट नहीं नंबर लिखना है, अगर गलती से भी टाइप करते हो तो वहां पे टाइप होने नहीं दे, तुरंत जैसे टाइप करेंगे एरर के रूप में मैसेज आ जाएगा। जैसे टाइप करेंगे क्या हो जाएगा, एरर के रूप में मैसेज आ जाएगा, और जो मैसेज आएगा ठीक है उसे में पता चल जाएगा कि जी इसमें केवल टेक्स्ट लिख रहा है, नंबर नहीं लिखना है, या केवल नंबर लिखना है, टेक्स्ट नहीं लिखना। मतलब काम करते वक्त ऐसा हम लोग सेट करते हैं, बार बार करते हैं, क्यों, क्योंकि गलतियां हम लोग कम करें ठीक है, और डाटा हम सही से बना सके, उसका यूज कर सके, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा वैलिडेशन। जैसे यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर, आप लोग को पहले से पता है ना, या सब लोग जानते हैं कि मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है, 10 अंक। 10 अंक का होता है। तो जो मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, तो जब हम लोग यहाँ पे कभी टाइप करते हैं तो कई बार कम टाइप कर देते हैं और कई बार ज्यादा टाइप हो जाता है, और बाद में मिलाते समय चेक करते से पता चलता है कि नंबर कम है या ज्यादा है। तो हम सोच रहे गलती हो ना, ना कम हो ना ज्यादा हो, 10 का 10 ही हो ठीक है। अगर 10 से कम डालें तो भी एक्सेप्ट ना करें, 10 से ज्यादा डालें तो भी एक्सेप्ट ना करें, तो ऐसा भी डाटा वैलिडेशन ऑप्शन से किया जा सकता है। इसलिए नाम रखा गया डाटा वैलिडेशन, और किस डाटा को वैलिड करना है और किस डाटा को इनवैलिड करना है, अगर यह रूल लगाना है तो उसके लिए हमें सेक्शन में डाटा वैलिडेशन का यूज किया ठीक है। उसके लिए किसका यूज करते हैं, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं, एक एक ऑप्शन के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। उसमें ज्यादा ऑप्शन दिया है, लगभग 2 दिन लगेगा तब वो कंप्लीट होगा। चलिए ध्यान देना, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मोबाइल नंबर कहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमको देना है क्या, 10 से न कम न 10 से ज्यादा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको एंटर करना दिखाना है, क्लियर है। इतना करने के बाद से
आपको आना है कहाँ पे, डाटा टैब पे, और डाटा टैब पे आने के बाद यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा डाटा वैलिडेशन। फिर आपको यस सर, इसी डाटा वैलिडेशन पे डबल क्लिक करना होगा, इसी डाटा वैलिडेशन पे डबल क्लिक करना होगा, और उसके बाद से डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो जो डाटा वैलिडेशन में जो दिख रहा है ना, पहला ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग्स, दूसरा दिया है इनपुट मैसेज, और तीसरा दिया एरर अलर्ट। तो चलो आज तुम लोग केवल सीखने वाले सेटिंग्स के बारे में। तो देखो सेटिंग में ऑप्शन दिया वैलिडेशन क्राइटेरिया, मतलब क्या वैलिड करना है वो क्राइटेरिया आपको देना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया में पहले से क्या है, अलाउ, क्या दिया है अलाउ, और अलाउ में क्या दिया है एनी वैल्यू, मतलब जो अलाउ हमने किया क्या किया है एनी वैल्यू, मतलब पहले से किसी सेल में आओगे कुछ भी टाइप करोगे आराम से टाइप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बाबू, तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान दे यहाँ पे लिखा एनी वैल्यू, ठीक है, इसमें हमको लेना है टेक्स्ट लेंथ, क्या लेंगे टेक्स्ट एक्सलेंट लेंथ, मतलब टेक्स्ट का लेंथ कितना रखना है उसके लिए यूज करेंगे टेक्स्ट लेंथ का। क्लियर है, तो हमने ले लिया यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ, और टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिया है डाटा, यहाँ पे ऑप्शन दिया बिटवीन, तो हमको मिनिमम चाहिए ना मैक्सिमम चाहिए, हमको तो क्या चाहिए इक्वल टू चाहिए, कितना बस 10, जो हमको टेक्स्ट का लेंथ चाहिए कितना चाहिए 10 चाहिए, करेंगे ओके। अब देखो यहाँ पे जब मैं आऊंगा और मैं नंबर टाइप करूंगा, 9 नंबर हमने टाइप किया, तो देखो मैसेज आ गया कि द वैल्यू यू इंटर इज नॉट वैलिड, बस रिट्राई। ले लिया, चलो एक नंबर बढ़ा दिया, इस बार कम नहीं बढ़ा दिया, ये भी नहीं आ रहा, करा रिट्राई, बस एक नंबर घटा दे, मतलब इस सेल में जो हम टाइप करेंगे 10 करेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं होगा, 10 करेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो चाहे नंबर टाइप करो चाहे कोई टेक्स्ट टाइप करो, दिख रहा है, और ऐसा कई बार नहीं होता है कि जो लिखना है वह इतने करेक्टर में लिख देना, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ऐसा आता आप लोग के सामने कई बार, कुछ भरते हैं तो मतलब अपनी बातों को इतने वर्ड में कंप्लीट कर दो, इससे ज्यादा होगा तो वैलिड नहीं होगा और आगे चल के अपलोड नहीं होगा, ऐसा भरा जाता है फॉर्म में आता है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, या ऑफलाइन में भी आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस ऑप्शन का यूज करके और आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोड के लिए लगाना है तो पिन कोड वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, डाटा टाइप पे आएंगे, डाटा वैलिडेशन पे आएंगे, और एनी वैल्यू में लेंगे टेक्स्ट लेंथ, लेंगे इक्वल टू 6, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, बोलो 6 लिख रहे हैं तो आ जा रहा है, 6 से ज्यादा लिख रहे हैं तो जी
चलो नेक्स्ट, अगला ऑप्शन सीखते हैं। अगला यहाँ पे हमने दिया एज, जैसे हमने यहाँ पे लिमिट रखा है कि हम अपने यहाँ उसी को रखेंगे या वही फार्म भर सकता है जिसका एज 18 से लेके 25 के बीच में, 18 से कम है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना है और 18 25 से ज्यादा है तो भी एक्सेप्ट नहीं करना, ऐसा है यहाँ पे रूल। ठीक है, जब डाटा हम बनाए तो तुरंत यहाँ पे जैसे एज लिखे तुरंत वहां पे डिसाइड कर सके इसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, आगे इसका जो फार्म है बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, तो एज के हिसाब से अगर वहां पे लिमिट दिया गया है तो उसके लिए हम लोग एज भी सेट कर सकते हैं। अब वो कैसे सेट करेंगे इसके लिए, उस सेल को सेलेक्ट करना होगा। ए क्या हो रहा है जी, पढ़ा रहे तुम बात कर रहे हो, एज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और जो एनी वैल्यू है यहाँ पे लेंगे होल नंबर, क्या लेंगे होल नंबर, होल नंबर मतलब क्या आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें, इसी डाटा वैलिडेशन में होल नंबर हो जाएगा, अब डेसिमल मतलब वही, इसमें दोनों ले लेगा, पूर्ण संख्या भी ले लेगा और दशमलव वाला भी संख्या ले लेगा, मतलब जहां पे ऐसा कंडीशन देना हो जहां पे केवल वैसे होल नंबर भी देने हो और जरूरत पड़ गया तो डेसिमल नंबर भी लगाने, तो वहां पे होल नंबर ना लेके क्या लेंगे, डेसिमल नंबर लेंगे। फायदा क्या होगा इससे, मतलब नंबर भी होल नंबर भी टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट करेगा और डेसिमल नंबर टाइप करेंगे तो भी एक्सेप्ट करेगा, ऐसा कंडीशन कई बार आ जाता है, पॉइंट में देना होता है तो वहां पे डेसिमल नंबर लिया जाता है, समझे। लेकिन यहाँ पे होल नंबर में ले लिया ना और लिख देता हूँ 20.4, नहीं ले रहा ना, पॉइंट वाला नहीं ले रहा है, और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेलेक्ट करता हूँ और वही डाटा वैलिडेशन पे आ जाता हूँ और ले लेता हूँ डेसिमल नंबर और देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया 10 से लेके 50। अब देखो इसमें टाइप करते हैं 50 लिया, 40 ये भी लिया और 40.20 ये भी लिया, मतलब डेसिमल नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है और होल नंबर भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो जहां पे दोनों को अप्लाई करना है वहां पे होल नंबर ना लेके उसके जगह स्थान पे क्या लेंगे, डेसिमल नंबर। हो जाएगा। चलिए अगला है लिस्ट, तो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो लिस्ट को समझने के लिए कुछ हमको बनाना पड़ेगा, चलिए बना लेते हैं हम लोग, हेडिंग लिखते हैं प्रोडक्ट, जैसे होता क्या है कई बार आप लोग देखे होंगे कि आप लोग किसी हेडिंग के नीचे जब क्लिक करते तो एक लिस्ट बना होता है, लिस्ट देखे हो कभी, फोन चलाते हो आप लोग जब मेन हेडिंग पर क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड लिस्ट बना होता है, कई जगह आप लोग लिखा रहता है क्या कोर्स, और कोर्स में जब क्लिक करते हो तो पता चलता है कौन कौन सा कोर्स है उसके अंदर, ऐसा देखे हो कभी, ठीक है। उसके बाद से कई बार ऐसा देता है नोट, हेडिंग लिखेगा नोट, अगर क्लिक करेंगे उस पे तो बताएगा एमएस वर्ड का नोट है या एक्सेल का नोट है या पावर पॉइंट का नोट है या टैली का नोट है,
वेबसाइट पे देखी होगी आप, ठीक है। तो क्या बना होता है उसे बोलते हैं ड्रा डाउन लिस्ट। तो ड्रा डाउन लिस्ट का मतलब जो हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध है और जिससे हमेशा हम डील करते हैं, या हमेशा किसी को दिखाना चाहते हैं, या हम ही देखना चाहते हैं। एक तो तरीका है कि बार बार उसको टाइप करिए, और एक तरीका है एक बार उसका लिस्ट बना कर रख लीजिए, एक बार उसका लिस्ट बना कर रख लीजिए, और जब भी उस नाम की जरूरत पड़े उस लिस्ट में से क्या करिए आप यूज कर लीजिए। तो फायदा क्या है, जैसे मान लो हम किसी फर्म में काम कर रहे हैं और वहां पे 5-6 ऐसे प्रोडक्ट है जो हमेशा डील किया जाता है, मतलब वही प्रोडक्ट डील किया ही जाता है। तो एक दो तरीका, बार बार जब प्रोडक्ट आता है तब लिखते हैं, और एक तरीका पहले से लिस्ट बना के रख लेते हैं, जब उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ता है बस लिस्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके उसे यूज कर लेते हैं। मतलब लिस्ट मतलब जो पहले से हमको जानकारी में है और शो करके दिखाना चाहते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं, और उसी लिस्ट को बोलते हैं ड्राप डाउन लिस्ट। मतलब ड्राप डाउन लिस्ट मतलब क्या है, उस ड्राप डाउन लिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जो हेडिंग में जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया वो दिखने लगे, और ऐसा जरूरत पड़ता है बार में। चलो सब कुछ छोड़ दो, आप हार मानते हो, आता डिस्ट्रिक्ट हेडिंग, अगर क्लिक करते हो तो सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, या कंट्री, आ कंट्री में देखो सारे कंट्री आ जाते हैं, बोलो। या वैसे रखता तहसील, अब उस एरिया में तहसील कितने हैं, तो तहसील पटौना खाडा जो भी आना आने वाला था, मतलब साइज पे देखते होगे आप लोग, मेन हेडिंग में जब क्लिक करते तो आ जाता है, मतलब ये पहले बता देता हमारे यहाँ इस एरिया में इतना ही है, इसी में से जो चूज करना है करोगे, बाहर कोई नहीं ले पाओगे। फायदा क्या होता है, मतलब फायदा यही होता है कि हम दूसरा कुछ सेलेक्ट नहीं कर पाते, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लो हमारे यहाँ स्टेट जो है उसको मैंने मेंशन कर दिया, अब हम कोई दूसरा स्टेट डालने जाए तो होगा नहीं होगा, अगर वो ऐसा ऑप्शन नहीं देता तो अपनी मर्जी जो डालना है डाल देंगे, अब पता चलो वो स्टेट है ही नहीं, वो नाम है ही नहीं है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, उसी लिस्ट को बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो कैसे हम बनाएंगे, तो चलो इसको दिखा। हो गया, मतलब यही प्रोडक्ट हम हमेशा बेचते हैं, तो एक बार हम इसका लिस्ट यहाँ बना ले, तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे बनाना लिस्ट जिस हेडिंग के नीचे, बस क्लिक करेंगे आ जाएंगे डाटा टैब। डाटा टैब पे आने के बाद से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, और डाटा वैलिडेशन क्लिक करने के बाद से जो यहाँ पे अलाउ दिया है यहाँ पे लेंगे लिस्ट, क्या लेंगे लिस्ट। अब कह रहा सोर्स, मतलब किस सोर्स का ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना है, वो सोर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया, अब बस कर देंगे ओके, बन गया। हाँ, इसको डिलीट नहीं करना, कहीं ना कहीं रख देना, मतलब कहीं ना कहीं रहना चाहिए, अगर हटा देंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्लिक करते हैं, ये लिस्ट आ रहा है, अब बस हम क्या करेंगे, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे जहां तक लेना है, बस अब आएंगे, अब हमको पता चल गया डेल का माउस हमने बेचा है, बस क्लिक डेल माउस, क्वांटिटी कितना हाई, रेट कितना आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला क्या, लेनोवो का लैपटॉप बेचा, क्लिक 21, उसके बाद से क्या बेचा हूं, डेल का प्रोजेक्टर बेचा हूं, बोलो। ये फायदा होता है ये ऐसे मेंशन करो, जो ले रहा है
ऐसे टाइप कर रहे हैं तो होता सीबीएस मान लो हम कर दिए एससीएल ले रहा है, मतलब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते हो, ये सिक्योरिटी पर्पस से लगाया जाता है। पता चला वो ब्रांड हमारे भाई ने नाम लिख के बेच दिया, ठीक है, तो उसका लिस्ट बना के आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं परिवार, हो जाएगा बाबू।